सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। धर्म अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के विवाह का रहस्यपूर्ण कथा के बारे में। भक्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी और उनके साथ वे गृहस्थ जीवन का सुख बड़ी सुविधा पूर्वक भोगते थे। उनमें कभी मनमुटाव नहीं होता था, सभी रानियां बड़ी प्रसन्न रहती थी। आखिर ऐसा कैसे हुआ और वे रानियां कौन थी, आइए जानते हैं इसका रहस्य। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का प्रेम राधा के साथ था, लेकिन विवाह उन्होंने रुक्मिणी के साथ किया। रुक्मिणी उनकी पहली पत्नी थी और पटरानी यानी प्रमुख रानी थी। रुक्मिणी के कहने पर ही श्री कृष्ण ने उनका अपहरण करके उनसे विवाह किया था। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मिणी का भाई रुक्मी उनका विवाह चेदिराज शिशुपाल से करवाना चाहता था। रुक्मिणी ने यह विवाह करने से मना कर दिया। रुक्मिणी ने वह विवाह ना मंजूर किया। आखिर रुक्मिणी का अपहरण हुआ और उनका विवाह श्री कृष्ण से हुआ। श्री कृष्ण की दूसरी रानी का नाम था जामवंती, जो निषाद राज की पुत्री थी। तीसरी रानी का नाम था सत्यभामा, जो सत्राजीत की पुत्री थी। सत्राजीत ने श्री कृष्ण पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन वे गलत साबित हुए। आखिरकार शर्मिंदगी महसूस करके सत्राजीत ने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। मित्रवृंदा उनकी चौथी रानी थी, जिसे वे एक स्वयंवर में जीत कर लाए थे। तथा पांचवी रानी का नाम था सत्या, जो राजा नग्नजीत की पुत्री थी। छठी रानी कैकई की राजकुमारी भद्रा थी। सातवीं रानी भद्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा थी। श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा का भी अपहरण किया था। महाभारत के अनुसार जब पांडव लाक्षा ग्रह से बच निकले, तब श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे। वहीं पर भ्रमण के दौरान सूर्य पुत्री कालंदी को उन्होंने तप करते हुए देखा। कालंदी श्री कृष्ण को पाने के लिए तप कर रही थी। अंत में आठवीं रानी के रूप में श्री कृष्ण ने कालंदी से विवाह किया। इधर प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर था, जिसने अनेक राजकुमारियों को, जिनकी संख्या 16,100 थी, बंदी बना के रखा था। सभी बहुत खूबसूरत थी। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे और सत्यभामा की सहायता से भौमासुर का वध कर दिया तथा बंदी राजकुमारियों को वहां से मुक्त करवाया। भौमासुर को शाप मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही होगी, इसीलिए श्री कृष्ण ने सत्यभामा को आगे कर दिया। बंधन मुक्त राजकुमारियों से कोई भी विवाह करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए श्री कृष्ण ने उन सभी से विवाह किया। इसी प्रकार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां बनी और वे 16,108 रानियों के स्वामी बने। जय श्री कृष्ण।